फ्रेंड्स, आज है संडे मॉर्निंग और गाड़ी की हम लोग थोड़ा बहुत सफाई वगैरह कर रहे थे, तो पता चला कि इस वैगनार में ये वाला जो टेल लैंप बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया है। तो बहुत छोटे से शॉर्ट तरीके में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे चेंज करना है। तो चलिए, ये हमारे पास बल्ब है, ये टूल्स है, इसे ओपन करते हैं और चेंज करते हैं। पहले मैं आपको चेक करके दिखला देता हूँ कि गाड़ी में जो टेल लैंप है वो जल नहीं रहा है। हाँ, लेफ्ट वाला जल रहा है, राइट वाला नहीं जल रहा है। जब आप पार्किंग ऑन करेंगे तब दोनों जलेगा, तो सेट पॉइंट जो है फ्यूज कर गया बस। तो हम लोग 10 नंबर का बोल्ट है, 10 नंबर का सॉकेट लगाएंगे और ओपन करेंगे। इसमें तीन पॉइंट होता है, ये इंडिकेटर के लिए है, ये रिवर्स पार्किंग लैंप के लिए है और ये टेल लाइट के लिए है। इसको हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये बल्ब है, इसको हमें सिंपली खोल लेना है। इसका एक फिलामेंट जो है वो काम नहीं कर रहा है। था कि लुमैक्स का यूनिवर्सल बल्ब है, जिसे मैंने अपने करिश्मा बाइक पे इंस्टॉल किया था टेल लैंप पे, और अब हम लोग इसको इस कार पे लगाएंगे, वैगन आर पे। ये देखिए, ये फिट हो गया। एक बार मैं बाहर पे ही इसे ऑन करके दिखलाता हूँ, ये जल रहा है या नहीं। मैं ब्रेक प्रेस करूँगा, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, इसे वापस हमको इसमें फिट कर देना, क्लॉक वाइज अच्छे से टाइट कर दीजिए, अपने आप फिट हो जाएगा और इसे वापस फिक्स कर सकते हैं। यह थोड़ा गंदा है, इसे हम लोग साफ़ कर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिट करेंगे। स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पर जितना ये जमा हुआ मड वगैरह, ये बीच बीच में ऐसे भी घर पे आप खोल करके कभी भी सर्विसिंग में साफ़ कर दिया कीजिए, क्योंकि ये सारा जो मड जमा रहता है धीरे धीरे इसमें रस्ट पकड़ लेगा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है बॉडी। इसमें कुछ लगता नहीं है, बस एक हल्का सा टूथब्रश से भी आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। इसमें टेल लैंप पे रहता कुछ नहीं, बस ये दो क्लिप आपको फंसा देना है यहाँ पे और इसे पुश कर देना है, तो ये आराम से बैठ जाएगा। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, आप दूर से दबाइए। हाँ, फिर छोड़िए, पार्किंग लाइट जलाइए, फिर दबाइए। चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह हमने वैगनार का जो टेल लैम्प था उसका जो बल्ब फ्यूज़ हो गया था वो हम लोगों ने चेंज किया। तो इसी तरह आप अपने घर में जो भी कार्स वगैरह रखते हैं उसमें जो भी छोटी छोटी टेक्निकल इश्यूज होती हैं उस पर प्रॉपर वे में ध्यान दें और उसे जितना जल्दी हो सके ठीक कर लें, क्योंकि देखने में लगता है कि ये छोटी सी लाइट की प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत सेफ्टी फीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाईवे वगैरह कहीं पर चल रहे हैं, आपकी लाइट प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो पीछे वाले को ये इंडिकेशन नहीं मिलता कि आप क्या करने वाले हैं, उस चीज़ से मतलब एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, इसलिए आप वीडियो को अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें इसका फ़ायदा मिल सकता है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं नई वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।